कि आपकी पढ़ाई में जिस चीज़ का सबसे कम किरदार होना चाहिए वो थी सेंसरी मेमोरी। तो जब तक आप इसे ग्राउंड से आउट नहीं करेंगे तब तक आपकी याददाश्त में कोई भी बात फॉर अ लॉन्ग पीरियड वो नहीं रहेगी। आपके सामने एक पेज है, आपने उस पेज को पढ़ना है। आपका दिमाग जितनी ज़्यादा जगह पर फंसा हुआ होगा आपका फोकस उतना ही कम होगा। ख्याल जब तक किसी दूसरे ख्याल के साथ कनेक्ट नहीं होगा वो आपके दिमाग में सेव नहीं रहेगा। तो पर्सनैलिटी वाला लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बट ये कुछ ऐसा है जो शायद आपको आज अगर आप यहाँ चल के आए हैं तो उसका फ़ायदा आपको होना चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी पे जो मेरा पहला काम था वो एक किताब थी, उस किताब का नाम है चैम्पियन तालिबे इल्म। 2019 में मैंने ये किताब पब्लिश की, इसी इदारे ने पब्लिश की, और उसके बाद मैंने स्पेसिफ़िकली मेमोरी पे काम शुरू किया, याददाश्त पे। कि याददाश्त जिसको हम एक सुपर वेपन कहते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बाहर तो क्रिएटिविटी भी होती है, बाहर बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला ये है कि हम लिमिटेड हैं कहाँ तक, सिर्फ मेमोरी तक, रट्टे तक, याददाश्त तक। जितनी अच्छी याददाश्त होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे और उतने अच्छे हमें उतनी शाबाशी मिलेगी घर से भी और स्कूल से भी, कॉलेज से भी। सो आज अगले 20 मिनट हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी याददाश्त क्या होती है और उस अच्छी याददाश्त के क्या एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है। कि अच्छी याददाश्त अगर किसी ने बिल्ड करनी है, अगर आप में से किसी को इशू है, वैसे मेरे सर्वे के मुताबिक जो 70% स्टूडेंट्स हैं उनको किसी ना किसी किस्म की जो मेमोरी में याद रखने का जो मसला आता है वो मौजूद होता है। 30% जीनियस होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने देन दी होती है अच्छा दिमाग, अच्छी याददाश्त। कुछ बदामों का भी रोल होता है इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड एक चीज़ होती है जिसको IQ कहते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि अगर आपकी याददाश्त में कोई इशू है या नहीं है, आप एक एवरेज माइंड वाले बंदे हैं जैसे मेरा भी है, जैसे आपका भी है, तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन क्या है। मेमोरी को डिफाइन किया जाता है ब्रेन की एक पावर के तौर पे, आपके दिमाग की एक ऐसी ताकत जो उसे बाकी जितनी मखलूकात हैं उससे मुमताज़ बनाती है। आपको कभी ये आपने नहीं सुना होगा कि शेर ने कोई कहानी सुनाई या मगरमच्छ को अपना कोई पुराना दुश्मन याद आ गया, ऐसा नहीं होता। उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म सी होती है, और हमें जो चीज़ इंसान बनाती है बहुत सारी चीज़ों के साथ वो एक मेमोरी भी है। अच्छा, याददाश्त जो है वो सिर्फ एक काम नहीं है जो दिमाग करता है। दिमाग बहुत सारे काम करता है, दिमाग फैसले करता है, दिमाग समझता है, दिमाग बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है। हमारे एक दिन के स्केड्यूल में कुछ 70,000 ख्यालात होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो हमारा दिमाग लेके चल रहा होता है। इवन के जब हम सो रहे होते हैं वो फिर भी जाग रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेमोरी है जिसे हम डिफाइन कर रहे थे अभी, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, हमारे दिमाग को कैसे ये बताया जा सकता है कि जो किताब, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी कोई मेमोरी टूल यूज़ किया हो इससे पहले, जिसको पता हो कि मेमोरी क्या, मेमोरी टूल क्या होते हैं? याद करने का कोई फार्मूला, आप ऐसे रट्टा कौन कौन लगाता है, किसका रट्टा अच्छा नहीं जाता? वेरी नाइस। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनको लगता है कि रट्टा हल नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छे। अच्छा, व्हाट इफ के हम ये कहें कि दोनों से काम चल सकता है अगर हम दोनों को बैलेंस करना सीख लें। ठीक है, हम थर्टे जो थीटा होता है ना, थीटा रट्टा मारने वाला इंसान, उसको थीटा कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ थीटा होना भी अच्छी बात नहीं होती क्योंकि समझ ही कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो उसमें एक ऐसा करेक्टर था जो सिर्फ रट्टे मारता था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की जीत होती है, बट मैं ये भी बता दूं कि वो एक फिल्म थी। रियल लाइफ में सिर्फ कॉन्सेप्ट की जीत नहीं होती,
हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं पेपर चेक करने वाले की, उसको भी पूरा करना पड़ता है। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे दिमाग किसी भी बात को प्रोसेस कैसे करता है, और उसके लिए हमें समझने पड़ेंगे मेमोरी के तीन जो पिलर्स हैं ना, जिनको याददाश्त की तीन बुनियादें कहा जाता है, वो क्या है। नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ? जी, तो याददाश्त होती है बेसिकली तीन किस्म की, और 0.1 देने का पर्पस ये था कि आपकी पढ़ाई में जिस चीज का सबसे कम किरदार होना चाहिए वो थी सेंसरी मेमोरी, और जो सबसे ज्यादा किरदार होता है वो इसी का होता है। तो जब तक आप इसे ग्राउंड से आउट नहीं करेंगे तब तक आपकी याददाश्त में कोई भी बात फॉर अ लॉन्ग पीरियड वो नहीं रहेगी। अच्छा, वजह क्या है? जो आपकी ये वर्किंग मेमोरी है इसकी टोटल ड्यूरेशन होती है 1 से 5 सेकेंड्स, ठीक है। मिसाल देता हूँ, आपके हाथ में फोन है, आपको कोई अपना नंबर लिखवा रहा है, आपने वो नंबर टाइप किया, उसको सेव किया, उसके बाद आपके दिमाग ने वो नंबर भुला दिया, वो वहाँ पे सेव नहीं है। अभी आप गेट से आए, आपने गेट को देखा, पॉसिबली आपको गेट का कलर भी याद ना हो, ठीक है। आपको पॉसिबली आप जिस सीट पे बैठे थे आज वापस जाके आपको ये भी ना याद हो कि आप किस सीट नंबर पे बैठे थे। अच्छा, हाईली चांसेस हैं कि आपने कल रात को क्या खाया था आप ये भी भूल चुके हों, या एटलीस्ट आपको परसों या रात का तो बिल्कुल याद नहीं होगा कि आपने क्या खाया था, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ें देखता है लेकिन उसकी कैपेसिटी लिमिटेड सी है, वो हर बात को महफूज नहीं रख सकता, वो उसकी रेंज से बाहर है। तो वो फिर लगाता है फिल्टर, जैसे स्नैपचैट के फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर लगाता है कि कौन सी बात रखने वाली है और कौन सी बात रखने वाली नहीं है। उन फिल्टर्स में हम बाद में जाते हैं। सेकंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये रहती है तकरीबन 1 से 2 दिन। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक टॉपिक को याद करते हैं और जब वो टॉपिक याद हो जाता है उसका टेस्ट दे देते हैं, तो जब अगले महीने दोबारा टेस्ट होता है तो उन्हें दोबारा वो टॉपिक याद करना पड़ता है। कितने ऐसे? ऐसा क्यों होता है? इज इट पॉसिबल कि हम किसी भी टॉपिक को एक दफा याद करें और उसके बाद पूरा साल या पूरी जिंदगी हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े? अच्छा, क्या होगा अगर मैं आपको ये सिखा जाऊं? कैसा हो सकता है कि आपको एक टॉपिक दूसरी दफा पढ़ना ही ना पड़े, मतलब पढ़ना पड़े याद ना करना पड़े, ये दो अलग अलग चीजें। तो जो आपके दिमाग में कोई भी बात 1 या 2 दिन के लिए रहती है, जैसे किसी टीचर का थप्पड़, घर की डांट, किसी शादी में हुआ हुआ कोई मिसहैप, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, जब वो 1 या 2 दिन के लिए हमारे दिमाग में सेव रहती हैं तो वो बेसिकली इस डब्बे के अंदर होती हैं जिसे न्यूरोसाइंस कहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। आपके जो सीनियर्स बैठे हैं इन्होंने गजनी देखी होगी मूवी, ठीक है, तो उसमें एक इशू जो गजनी को था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी था कि वो भूल जाता था कि अभी क्या हुआ है, तो वो पर्चियाँ लिख के रखता था कि मैंने अब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस शहर में हूँ और मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो वैसी पर्चियाँ वो आपने भी रखनी करनी है। अच्छा, थर्ड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लाइफ लॉन्ग होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हो सकता है कि आप कुछ बातें भूल जाएं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप ठीक है। अच्छा, आप में से जिस जिसके पास बाइक है पॉसिबली उसको अपना पहला एक्सीडेंट याद हो, ठीक है।
अच्छा, आप में से जिसका कोई बड़ा बहन भाई जिसकी बहुत आपकी बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, आपको उस इवेंट की कुछ डिटेल्स याद होंगी कि मेरे भाई की शादी ऐसे हुई थी, उसमें वो लोग आए थे, फूफा ने लड़ाई की थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो शायद आपको याद हो। ठीक है, अच्छा, वो इसलिए याद होती हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो याद रखनी चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है हमारा दिमाग, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बस हमें इस पे ना थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है और इससे बुरा दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ लें एक दफ़ा तो ये जितना आपको असिस्ट करता ना आपके कामों में, उतना कोई भी नहीं करता। कोई आपका सगा दोस्त भी आपको उतनी फेवर्स नहीं दे सकता जितने हल ये आपको निकाल के देगा, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये है कि आपने एक टॉपिक एक दफ़ा पढ़ा, वो 6 महीने बाद आपको पढ़ना पड़ा या 6 साल बाद आपको वो टॉपिक याद रह गया। कायदे आजम किस डेट को दुनिया में आए थे? आप किस डेट को दुनिया में आए थे? आप में से कोई ऐसा है जिसे अपने फादर का फोन नंबर जुबानी याद ना हो? ना हो, कोई नहीं है, सबको याद है। अच्छा, अब देखें कि इन चीजों को हमारा दिमाग सेव कर रहा है, लेकिन जो कुछ मिनट पहले मैंने बात की कि आपने एक नंबर नोट किया, सेव किया, उसको तो दिमाग भूल गया, हालांकि वो भी नंबर ही था, ये भी नंबर ही है। तो हमारे दिमाग को ये कैसे पता चला कि इसको सेव रखना है और उसको सेव नहीं रखना? तो उसका एक कुलिया है और वो कुलिया है इम्पोर्टेंस का। वो सिर्फ एक फिल्टर लगाता है। जब आप रात को सो रहे होते हैं ना, तो हमारी जो दिमाग है ना, वो अपनी याददाश्त की हर एक बात आपने आपके साथ जो पूरे दिन में हुई होती है उसको फिल्टर आउट कर रहा होता है, क्या रखने वाला है और क्या डिलीट करने वाला है। क्योंकि देखिए, उसकी कैपेसिटी है, और जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं ना, वो ओवरलोड हो जाते हैं ना, हैंग होने शुरू हो जाते हैं, फोन हैंग होने शुरू हो जाते हैं जब आप उन पर बड़ी बड़ी गेमें चलाते हैं, पबजी, फ्री फायर। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, वो भी हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो इम्पोर्टेंस का फैक्टर है ना, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी समझती है, ये वो ये देखता है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई भी बात याद रखने से पहले वो ये देखता है कि ये जो बात मैं याद रखूँगा, जो मुझे मेहनत के साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी के डब्बे में रखनी है, ये मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि उसे पता कैसे चलता है कि कौन सी बात याद रखने वाली है या कौन सी बात ऐसी है जो याद नहीं रखनी। सोचें, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना चाहिए। दो बातें, पहली है आपका फोकस। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका फोन आपसे कितना दूर है ये आपके दिमाग को पता होता है, और फोन दूर हो या ना हो, आपका दिमाग फोन के अंदर घुसा हुआ है या नहीं घुसा हुआ, ये उसको पता होता है। ठीक है, कभी अपने ख्यालात पे जोर कीजिएगा, रिफ्लेक्शन, कि आप चल रहा होता है, ये टॉपिक मैसेज आया होना, ठीक है, ऐसे ही चलता है ना हमारा दिमाग। उससे क्या होता है, उससे हमारा दिमाग ये समझता है कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है, वो जहाँ मेरा दिमाग फंसा हुआ है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। वो जो सामने होता है वो भूल जाता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। अच्छा, मिसाल लें, ये एक डस्टर है और ये मेरी 5 उंगली है, मैं इस डस्टर को आराम से उठा लिया। व्हाट इफ कि मुझे इन 4 उंगलियों से उठाना पड़े, थोड़ी सी मुश्किल हुई, 3 से उठाना पड़े और ज़्यादा, 2 से और ज़्यादा, ऐसे ही हमारी जो फोकस वाली पावर है वो भी ऐसे ही है। आपके सामने एक पेज है, आपने उस पेज को पढ़ना है,
आपका दिमाग जितनी ज्यादा जगह पे फंसा हुआ होगा आपका फोकस उतना ही कम होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास 100 रुपए थे और आपने 40 किसी और को दे दिए, 20 किसी और को दे दिए, और बाकी जो 40 आपके पास बचे हैं आप उनसे वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो 100 रुपए का मिलता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने करना है वो काम कि जब आप पढ़ रहे हो तो फिर फोन, कंप्यूटर, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। और यही मेरा अगला सवाल है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो अब तक आप करना चुके होते। आपको पता ना ऐसा करना चाहिए बट आप करते नहीं हैं। सोचें क्यों? क्योंकि ये हमारे उसी दिमाग को पसंद नहीं है जो ये, यही साइंस है कि हम अपने अगेंस्ट ही प्ले कर रहे होते हैं। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, जैसे मैंने पहले बात की कि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमारा सबसे बुरा दुश्मन है। तो करता ये है हमारा दिमाग कि वो हमें उन चीज़ों में इसलिए फंसा के रखता है क्योंकि उसमें उन्हें मज़ा आता है। पढ़ाई में मज़ा तो नहीं है ना, लेकिन टिकटॉक स्क्रॉल करने में मज़ा है। ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अगर ना होता तो हमारा दिमाग वहाँ पे ना जाता। हमारे दिमाग को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है और वो है खुशी। वो उसे जिस तरफ से मिलेगी वो उस तरफ जाएगा। ये है साइंस। अच्छा, इस साइंस को भी अब साइकोलॉजी इसको एक्सप्लेन ऐसे करती है कि फर्ज करें कि आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ गया जो आपका दिमाग कबूल नहीं कर रहा, तो उसको कैसे लेके चलें? ये एक सवाल है कि दिल करता है कि सुबह उठ के नमाज पढ़ें बट कंबल नहीं छोड़ता, होता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने दिमाग पे ये काबू पा लें कि जो हम चाहते हैं, जो हमें लगता है कि ठीक है, हम वो कर लें? उसके लिए हमें उसको आदत डालनी पड़ेगी। हमने साइकोलॉजी में जब माइंड को सबसे पहले पढ़ा तो हमें ये बताया गया कि जो दिमाग होता है वो एक हाथी की तरह होता है, और जो आप खुद हैं या मैं खुद, हम उस हाथी के ऊपर जो एक महावत बैठा हुआ होता है ना, जो उसको ट्रेन कर रहा होता है, हम वो हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है जिसकी नन्ही सी जान है हाथी के मुकाबले में, वो हाथी को कहे कि नहीं जी इधर जाना है, और हाथी कहे जी सरकार चलांगे जिवें तुसी कहंदे हो, जबकि उसका दिल भी नहीं है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, वो है बिफरा हुआ हाथी। तो आप उसे कहेंगे ना कि यार यहाँ से 3 किलोमीटर इस तरफ जाना है, वो कहेगा मैंने नहीं जाना, मैं इधर बैठा हूँ। ठीक है, दिमाग को जब आप कहते हैं कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, हालांकि आदत कितने बजे की है, 8 बजे उठने की, तो वो क्या करता है, यार बहुत गैप है, मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उसको कहना चाहिए यार 3 किलोमीटर ना सही तो 30 फुट तो चल के दिखा। पढ़ाई अगर आप बैठें और आप कहें कि मैं आज 2 घंटे अपने गैर मुतजलजल अजम के साथ किसी फ़ोन और लैपटॉप को हाथ ना लगाते हुए आज मैं पढ़ूंगा, तो ठीक 10 मिनट बाद आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार काफ़ी है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी जो है ना वो मैसेज आया हो चेक कर लेते हैं, बाकी काम बाद में, ऐसा होता है। तो आपने उसे 3 घंटे का टारगेट नहीं देना, आपने उसे कहना सिर्फ 20 मिनट, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, उसकी वजह क्या है? जब आप उसे थोड़ा सा टारगेट देंगे ना तो वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा करना। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त जब नाराज़ हो जाता है आप उसे कैसे मनाते हैं? आप उसे कहते हैं यार ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ जाना है, मैं कह रहा हूँ यहाँ जाना है, तो पहले हम वहाँ चलते हैं उसके बाद यहाँ चले जाएंगे, तू भी राज़ी मैं भी राज़ी। तो दिमाग के साथ भी आपने ये करना है, उसको कहना यार 20 मिनट बैठ के पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसा तू चाहे वैसा कर लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब 20 मिनट गुजर जाएंगे ना, शराफत से किताब बंद करें और बाहर चले जाएं। ये तरीका बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे होंगे, आप डेली घंटा डेढ़ घंटा, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसे नहीं होता, कोई भी आदत ऐसे नहीं बनती। अच्छा, अगले दिन जब बैठें तो 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट बढ़ा लें, जितने आप इजीली बढ़ा सकते हैं। अगले दिन फिर 5 मिनट बढ़ा लें,
तो वो जो छोटी छोटी एडिशन हो रही है ना, वो आपको 20 दिन बाद 25 दिन बाद पता चलेगा कि अब आप 2 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं। वैसे हम सालों ट्राई करते रहते हैं, हमसे 2 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा जाता। तो ये थी फोकस वाली बात। सेकंड फार्मूला, रिपीट। जो नंबर आपके सामने एक दफा बोला गया वो आपको याद नहीं रहा, लेकिन वालिद साहब का नंबर तो आप तकरीबन हर महीने एक ना एक दफा, कम से कम एक दफा आप जरूर सुनते हो। किसी टीचर ने मांग लिया, किसी अंकल ने मांग लिया, किसी ने मांग लिया, तो वो नंबर आपके दिमाग में रिपीट होता रहता। तो दिमाग को लगता है कि ये मुझे सेव रखना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो उसको सेव रख भी लेता है। तो जो आप पढ़ते हैं ना, वो भी आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन सवाल ये है कि कैसे याद रखें, तो कैसे, कब रिपीट करें? आज एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, एक दफ़ा पेपरों के बाद कर लेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं। इसमें एक टेक्निक है, आप जब घर जाएं तो आपने इस टेक्निक को गूगल करना है। इट इज़ कॉल्ड स्पेस रेपिटिशन टेक्निक। आप में से जिस जिसने अपना सिलेबस बनाना होता है या ये बनाना होता है कि मैंने रिवीजन करनी है, जिसको हम रिपीट करना बोलते हैं, उसको इस फार्मूले के मुताबिक करना है। ये फार्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन आप जब इसे इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये फार्मूला कहता है कि कोई भी चीज़ याद करने के एक दिन के अंदर आपने उसे रिपीट करना होता है सोने से पहले। मिसाल लेंगे, सुबह 9 बजे आपका बायोलॉजी का लेक्चर था, तो आपने रात सोने से पहले बेशक उसको 2 मिनट देने हैं, बट आपने उसको एक दफ़ा देखना ज़रूर है। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक दफ़ा रात, जब आपकी मेमोरी का सारा सिस्टम वो बॉक्सेस बन रहे होंगे कि कौन सी बात कहाँ रखनी है, तो वो जब एक दफ़ा रिपीट हुई होगी तो माइंड उसको कहाँ फेंकेगा? डब्बे में। उसको लगेगा ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब कोई चीज़ 2 दफ़ा रिपीट हुई होगी तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो रिविजन का सबसे, आपका जो 50% काम है वो इसी बात से कम हो जाएगा कि आपने क्या करना है, कि रिवाइज करते हुए जो सेम डे का आपका टॉपिक है जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट कर लेना। सेकंड काम ये कहता है जी, पहली रेपिटिशन आई 1 डे में, दूसरी आपकी आनी चाहिए 7 दिन के अंदर। ठीक है, अच्छा वेरी करते हैं, स्पेस रेपिटिशन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरे लिए जो है वो आपके लिए नहीं है। ये हर बंदे का अपना अपना है, आपका अलग होगा, इनका अलग होगा, उनका अलग होगा। उसकी वजह ये है कि हम सबका IQ भी तो अलग अलग है, हम सबकी दिमाग को याद रखने की कैपेसिटी भी तो अलग अलग है। जिसने बादाम खाए हैं वो उस बंदे के बराबर तो नहीं हो सकता जिसने नहीं खाए। ठीक है, तो हमारी कैपेसिटीज़ वेरी करती हैं। तो आपको कम अज़ कम एक दिन में पहली रेपिटेशन और जो दूसरी रेपिटेशन है वो आनी चाहिए मैक्सिमम 7 दिन के अंदर। थर्ड रेपिटेशन शुड बी विद इन अ मंथ, कि एक मंथ के अंदर आपकी तीसरी रेपिटेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा जब आप इसे करने लगेंगे कि यार अगर दोबारा याद करने में इतनी मेहनत करनी है तो मैं अभी इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, एक ही टॉपिक को 3-3 दफ़ा क्यों पढ़ रहा हूँ? उसे होगा ये कि आप जब दोबारा उसको याद करने की कोशिश करेंगे आप 0 से शुरू कर रहे हैं, आपको टॉपिक मुकम्मल तौर पर भूल चुका है या पार्शियली याद होगा, कोई 25% कोई 30%। लेकिन जब आप इस तरीके से चलेंगे ना तो वो आपके दिमाग की जो इनकोडिंग कैपेसिटी है जो याद रखने की, वो 90% तक पहले ही जा चुकी होगी। आपको रखनी है सिर्फ 10% बातें याद। ठीक है, अच्छा अब रिपीट के कुछ टेक्निक्स हैं। आप में से जिस जिसके पास डायरी है वो लिख ले, घर जाके गूगल करके बाकी सबको भी बता दीजिएगा। एक टेक्निक है उसको कहते हैं SQ3R, आप इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो जिस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, या एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता है जिसको मेमोरी का नहीं पता, वो ऐसे ही है कि आप एक कुल्हाड़ा चला रहे हैं जिस पर जंग लगा हुआ है। लेकिन जब आप उसको साइंस की हेल्प से थोड़ा असिस्ट करेंगे ना अपने काम को, जैसे हमारे हर काम में कहीं ना कहीं साइंस तो आती है,
पहले हम हाथ भेजते थे, अभी फोन जाता है, तो साइंस तो आ गई। तो अगर इन सब कामों में साइंस आ गई है तो हमारा जो सबसे बेसिक काम है जो हमने 16-18 साल करना है उसमें साइंस क्यों नहीं आ रही? ठीक है, तो अब आपने करना क्या है? एक ये होता है, उसके अलावा एक होता है ये वाला, ये आपने इन डिटेल घर जाके पढ़ने हैं कि ये क्या करते हैं। अच्छा, आखिरी बात, ये मैं होमवर्क आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए है और सिर्फ लेक्चर से कुछ नहीं होता। हमने भी बहुत सारे लेक्चर लिए हैं साइकोलॉजी जो 4-5 साल चल रहा है पढ़ते हुए, तो हमने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, लेकिन लेक्चर का तब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक हम घर जाके थोड़ा सा होमवर्क खुद नहीं करते, जब तक हम उन बातों को याद नहीं करते जो हमारे लेक्चर में हुई थी और फिर थोड़ा सा होमवर्क करके हम उनको अप्लाई नहीं करते। तो अगर ये सब कुछ जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना 2-3 दफ़ा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा कि यार कुछ नई बात है, ये आपका 1 घंटे का काम 25 मिनट में कर देगा। और ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा ना होता, ये टाइम एफिशिएंट ना होते तो ये रूल्स कभी एग्जिस्ट ही ना करते। आखिरी बात, जो तीसरा एलिमेंट है हमारी याददाश्त का, इसमें अगर आपने कोई भी चीज़ सेव करनी है, आप उसको किसी भी ऐसी चीज़ से एसोसिएट कर लें जिसको आप पहले से जानते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई नया ख्याल आता है तो आप क्या करते हैं? आप उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। हम सब करते हैं, हमारा दिमाग भी करता है, लेकिन वो ख्याल जब तक किसी दूसरे ख्याल के साथ कनेक्ट नहीं होगा वो आपके दिमाग में सेव नहीं रहेगा। आपने कभी मकड़ी का जाला देखा है? वो कैसे एक दूसरे के साथ सारा कुछ कनेक्ट हुआ होता है? ऐसे ही हमारी याददाश्त भी होती है कि उसे हर बात दूसरी बात के साथ कनेक्टेड चाहिए होती है। ठीक है, अब आप सोचते किस अंदाज में, फर्ज करें कि यह आपका स्टार्टिंग थॉट है कि आज मैं स्कूल जाऊंगा, उससे पैसे लेने, उसका टेस्ट है, घर आना है, सहेली की तरफ जाना है, क्रिकेट मैच खेलना है, ट्यूशन में एक और टेस्ट देना है, रात को बिरयानी पकेगी, ऐसे पूरा दिन आपका, और ये टोटल आते हैं आपको 70,000 रियाल। ठीक है, याद वही रहेंगे जो आपके दिमाग में किसी दूसरी चीज़ से एसोसिएट हो जाएंगे जो आपके साथ पहले हो चुकी है। ठीक है, मिसाल लें कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप उसे कनेक्ट करें किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा मौजू, कोई ऐसा सिलेबस। फर्ज करें कि हम बात करते हैं कि जनाब साहब की बायोग्राफी पढ़नी है या उन पर कैसे लिखना है, तो आप कैसे याद रखते हैं? उनकी बर्थ डेट, ठीक है, उसके बाद कहाँ गए, भारत ला कहाँ से किया, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम जिना की बर्थ डेट को याद करने की कोशिश करते हैं हमारे जहन में जो दूसरी डेट आती है वो इलामा इकबाल साहब की बर्थ डेट है, पर हम कोशिश करते हैं मिक्स ना हो जाए, पर 99% टाइम नहीं मिक्स होती। वो इसलिए हमें याद रह गई है क्योंकि उसके साथ मिलती जुलती कोई एक डेट है जो दोनों को बैलेंस कर रही है, जो दोनों के दरमियान एक लिंक बना रही है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था। अच्छा, ये बताएं कि पलासी की जंग कब हुई थी? नहीं याद होगा क्योंकि उसके साथ कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, आपको याद भी नहीं होगा। टीपू सुल्तान का सबको पता है, उनकी लड़ाई कब हुई थी जिसमें वो शहीद हुए थे? नहीं याद होगा, बहुत सारे कम लोगों को याद होगा, यही वजह है। अच्छा, मैं आपकी नलायकी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा सीरियसली, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो साइंस कहती है कि जब तक एक बात दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है ना तो वो हमेशा याद रहती है, अगर वो कनेक्ट नहीं होगी तो फिर आपके दिमाग में सेव नहीं रहेगी। जो टीचर थे वो कर ली, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एटलीस्ट इतना सीखा होगा कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वजह से जो आपका काम है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा।
आपकी एफिशिएंसी, आपका टाइम कम लगेगा। और अब आपके पास, अगर आप इन टूल्स को अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ऑफर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का, आप सबके सुनने का। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे, आपकी तालीमी इस पूरे सफ़र को आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, और जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से आप उसे ज़रूर हासिल करें। थैंक यू सो मच।